सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पहली किंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम तारक मेहता और बालवीर टंस की कुछ मज़ेदार और जासूसी पहेली सॉल्व करेंगे। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज की इस कमाल की और इंटरेस्टिंग पहली वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दिवाली के दिन जेठालाल अपने लिए कुछ पटाखे लेके आता है और जेठालाल उन पटाखे को सोफे पर रख कर नहाने के लिए चला जाता है। जब जेठालाल को थोड़ी देर बाद पटाखे के फूटने की आवाज़ें सुनाई देती है तो जेठालाल बाहर कमरे में आता है तो देखता है कि उसके पटाखे सोफे पर नहीं थे। तो जेठालाल को लगता है किसी ने उसके पटाखे चोरी कर लिए हैं और उनको जलाकर फोड़ दिए हैं। तो जेठालाल को कुछ बच्चों पर शक होता है जो कि लोग होते हैं गोली, टप्पू और गोगी। जेठालाल उन सभी को अपने कमरे में बुला लेते हैं और पूछने लगते हैं मेरे पटाखे किसने चुराए और किसने जलाए। तो सभी लोगों को जेठालाल अच्छे से देखता है और पता लगा लेता है कि इन तीनों में से किसने पटाखे जलाए। तो क्या दोस्तों, बता सकते हो इन तीनों में से फटाखे किसने जलाए होंगे? तो आप इन तीनों को अच्छे से देखिए और अपना आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो चलिए फ्रेंड्स, इस पहेली का सही आंसर देख लेते हैं। दरअसल इन तीनों में से जेठालाल के पटाखे टप्पू ने जलाए हैं, क्योंकि अगर आप टप्पू को ध्यान से देखोगे कि उसके हाथ में एक माचिस है और उसके हाथ पर भी कुछ काला सा लगा हुआ। इसका मतलब जब टप्पू पटाखे जला रहा होगा उस समय कुछ काला सा उसके हाथ पर लग गया होगा। इसका मतलब इन तीनों में से जेठालाल के पटाखे टप्पू ने जलाए। क्या दोस्तों, आपका यही आंसर था? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों, अभी तक आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑल पर सेट कर ले, जिससे आने वाली सभी न्यू वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए नेक्स्ट पहेली को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपके सामने एक इमेज नज़र आ रही होगी। दोस्तों, आपको इस इमेज को अच्छे से देखना है और बताना है इस इमेज से कौन सी लड़की का नाम बनेगा। तो दोस्तों, आप ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलता है। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस पहेली का एकदम सही आंसर। इस पिक्चर से जिस लड़की का नाम बनेगा वह नाम होगा सु प्लस रू प्लस टी इक्वल टू श्रुति। दोस्तों, क्या आपका भी यही आंसर था? बहुत ही अच्छे। तो चलिए अगली पहेली को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने फिर से एक इमेज नज़र आ रही होगी। दोस्तों, आपको फिर से इस इमेज को अच्छे से देखना है और बताना है इन तीन बाल परी में से कौन सी बाल परी असली बाल परी है। दोस्तों, आप ध्यान से देखिए और आप अपना जवाब नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, जिसके लिए आपको 15 सेकंड का समय मिलता है। दोस्तों, आपका समय शुरू होता है अब। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इस पहेली का भी एकदम सही आंसर। इन तीन बाल परी में से जो फर्स्ट नंबर पर बाल परी है वही असली है, क्योंकि अगर आप बालवीर को अच्छे से देखोगे कि उसकी परचाई आ रही है और फर्स्ट नंबर बाल परी की भी परचाई आ रही है, इसका मतलब वही असली बाल परी है। वैसे दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय थी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और वीडियोज़ भी देखना चाहते हो तो आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आ रहे इन वीडियोज़ को भी एक बार से ज़रूर देखिएगा। तो चलिए, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।